बीजेपी में योगी केवल एक ही है, लेकिन बीजेपी हर राज्य में योगी ढूंढ रही है, क्योंकि बीजेपी को अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अब राजस्थान की बीजेपी इकाई को लगता है कि अपना योगी मिल गया है। किसे कहा जा रहा है राजस्थान का योगी और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। भगवा कपड़े, सिर पर भगवा भेटा और तेवर भी तीसरे। ये राजस्थान के अलवर के सांसद बालकनाथ योगी। सांसद बालकनाथ की तुलना उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी भगवा पहनते हैं और उनके तेवर भी कुछ इसी तरह से हैं जैसे बालकनाथ के तेवर। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई टीम घोषित की, जिसमें महंत बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनते ही महंत बालकनाथ ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद जब वो अलवर पहुंचे तो बीजेपी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसी दौरान उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मुगलिया सरकार कह दिया, सीएम हाउस को फतवा हाउस बताया और कांग्रेस नेताओं को भूमाफिया के साथ काम करने वाला बता दिया। सीएम आवास कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री आवास नहीं है, फतवा हाउस है, जहां से एक सनातन धर्म के लिए, एक विशेष संप्रदाय को फायदा पहुंचाने के लिए इन पिछले 4.5 वर्षों में अनेकों फतवे जारी हुए। अब ऐसा नहीं है कि बालकनाथ के ये तेवर नए हैं। इससे कुछ दिन पहले थाने में एक डीएसपी को सांसद बालक दास ने धमकाया था और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। कुल मिलाकर हमेशा भगवे कपड़ों में दिखने वाले बाबा बालकनाथ फायर ब्रांड नेता है। हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक तेवरों की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। 2019 में बाबा बालकनाथ पहली बार सांसद चुने गए और उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। वो नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ हट के महंत भी है। चांदनाथ योगी ने 2016 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बालकनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो रोहतक की गद्दी को उपाध्यक्ष की पदवी हासिल। अब ये सवाल है कि बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने क्यों प्रमोट किया। दरअसल चुनाव जीतने के बाद योगी बालकनाथ ने अलवर और आसपास के इलाकों में मजबूत राजनीतिक पकड़ बना ली है। अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कोर एजेंडे हिंदुत्व पर फोकस करने की तैयारी में है और बालकनाथ को प्रमोट कर बीजेपी यही संकेत दे रही है, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी राजस्थान के योगी के तीर से बीजेपी कई निशाने साधना चाहती है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।